जे कौर ने वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ट्रक भर के आई लव यू मेरी तरफ से सब सब सब्सक्राइबर्स को और एक एक जो मुझे लाइक भेजता है उन सबको ट्रक भर के आई लव यू, और जो मुझे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनका एक एक का बहुत दिल से शुक्रिया। और कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आपको पता है कि बाइज्जत बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से, और इसी की मुनासबत से अभी मुस्लिम लीग नून लाहौर के ऑफिस में मिठाई तकसीम की जा रही है और मुझे इनवाइट किया गया है, मैं वहां पे जा। सबसे पहले मैं अपनी बहुत ही प्यारी आपी सबा खान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे टिकटॉक के ऊपर जितनी भी मेरी वीडियोस थी सबके ऊपर लाइक भेज दी है, 100% उन्होंने लाइक पूरे कर दिए, और ये वाहिद बंदी हैं जिन्होंने मुझे 100% लाइक भेजे हैं। मैं उनका दिल की अता ग्राहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मियां मोहम्मद नवाज़ी साहब के बरी होने की खुशी में लाहौर ऑफिस पहुँच गया मुस्लिम लीग लाहौर नसीराबाद, और ये मेरा भाई कल मियां शहबाज शरीफ के साथ था और माशाल्लाह सारे मीडिया से चले जी। भाजी समीना भी अज बड़े अरसे बाद आ गई, पता नहीं बहुत अरसे बाद आ गई, मेरा रफीक भाई आ गया जी, रफीक भाई ने कोई पेशी नहीं छोड़ी, ये माशाल्लाह तुसी साहब साहब भी पहुंच गए, भाजी लाहौर की सदर भी पहुंच गई है, कहते बहुत अरसे बाद है, मैं कहा बहुत अरसे बाद, बड़े बड़े वर्कर आ गए जी माशाल्लाह, आप हमारे बड़े भाई हैं और अल्लाह आपको जिंदगी दे सेहत दे, आप माशाल्लाह यार आपने और हमने बड़ी सोबतें देखी है यार, हम एंड पे हम 6 साल लोग ही रह गए थे, याद है आपको, ये देखो जरी खान आ गया लाहौर के वर्करों की शान, पहले नंबर पे अल्लाह की जात थी, फिर उसके बाद जरी खान, फिर आप, फिर ये मैं करेक्ट करे, सबसे पहले नंबर पे थे जी जरी खान साहब, आपका नाम ये हर बंदे को सही करते थे, ये बंदा ये मुस्लिम लीग का सरमाया है जी, ये लोग वो थे जिन्होंने अपना तन मन धन अल्लाह के हुक्म से अपने कायदे में निशावर किया, ये देखिए मोहब्बत ये कीमती मोहब्बत ये है सरमाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो के कमाया है, और सारे जितने भी लोग थे ये देखे सलूट कायदे मोहतरम आपको सलूट यार आई लव यू मरते दम तक ये सारी कायदे मोहतरम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन बंदे हैं जिनको इतने मुखलस और इतना प्यार करने वाले जो है साथी मिले हैं, जिंदाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर अहदे वफा अपने कायदे के साथ निभाता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दरीना साथी स्वाति खान और बिलावल मिर्जा ये वो मिर्जा है जिसने के जो मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ के ऊपर कबूतर बैठा था और ये इसका कबूतर था और सलाउद्दीन पप्पी का, और इसका ये उसकी बड़ी खिदमत कर रहा है जी, और मैं टाइम दे दी यार क्यों टाइम मेरा देखे जी भाई आप आते ही नहीं है, क्यों नहीं आप हमें हमें आपसे टाइम मांग रहे हैं, आप मुराद भाई के पापा के साथ आए हैं जी, मुराद भाई के पापा हैं, आपको पता मुराद भाई कौन है, मुराद भाई के पापा हैं जी, मुराद भाई जो है वो है जी हमारे शहबाज शरीफ साहब के चीफ सिक्योरिटी अफसर, और ये उनके पापा हैं, मेरी मुलाकात नहीं कराई अभी तक, अभी तक नहीं कराई, ये हमारे शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं कराते थे, वन टू वन मुराद भाई अपने पापा की तो मुलाकात करवाए, और ये इनकी तरफ देख के यकीन करें मुस्लिम लीग नून लाहौर के जो वर्कर है ना उनका हौसला बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है, और ये इंस्पिरेशन है वर्करों के लिए, जैसे इन्होंने पूरी जिंदगी जो अपनी वो वक्फ कर दिया मियां नवाज शरीफ के नाम पे, मियां शहबाज शरीफ के नाम पे। स्वाति खान आपको सलूट है यार, आपको भी सलाम है, और ये डिप्टी मेयर भी रहे हैं आप लाहौर के, सीनियर नायब सदर लाहौर भी हैं ये माशाल्लाह, असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे हैं और असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम भी रहे हैं, बिल्कुल जी माशाल्लाह, और हमारी दुआ है कि बाप सेनेटर बने जी। गाइज ये नरगिस मतीन साहब हैं लाहौर की माशाल्लाह सीनियर तरीन वर्कर हैं, और ये वो वर्कर हैं कि जिन्होंने तकरीबन पिछले 7 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, ये इस्लामाबाद लाहौर जहाँ पे भी पेशी हो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होती है, और यहाँ तक कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतर के वापसी लाहौर की तरफ अपने काफले के साथ आ रहे थे जो कि तारीखी काफला था जो कि जीटी रोड से लाहौर की तरफ रवाना था और 3 दिन में लाहौर पहुंचा था, इतनी दुनिया थी साथ, और मोहतरमा भी साथ में जो नरगिस मतीन साहब है वो भी साथ में थी, मैंने आपके साथ एक व्लॉग करना आपके घर पर आके, मुझे टाइम कब देंगे आप, मैंने आपको गाइस बताना है
मैंने गाइज आपको बताना है कि ये कैसे कैसे कीमती नगीने मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं और जो मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, और मियां नवाज शरीफ बहुत लकी आदमी है, कैसे दोस्त उनके उनको और ऐसी बेटियां और ऐसी बहनें उनको मिली हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला इनके घर जाऊंगा, व्लॉग करूंगा। ठीक है जी, ये देखें जी लाहौर ऑफिस में माशाल्लाह MNA वहीद आलम खान साहब, सैयद तौसीफ शाह साहब और मलक वही साहब साबका MPA और तमाम सीनियर वर्कर लाहौर ऑफ, चौधरी शहबाज भी मौजूद हैं, शहजाद खान भी मौजूद हैं, और ये कुछ मीडिया के दोस्त भी आए हुए हैं, मैं भी साथ में हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब के बरी होने की खुशी में ये देखें कितना रिटायर्ड कमिश्नर साबका डिप्टी मेयर लाहौर भी पहुँच चुके हैं लाहौर ऑफिस में, और ढोल की थाप पे इस वक्त लाहौर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, खबर पहले हैं मौके पे, तो ये भी माशाल्लाह हमारी खुशी में शिरकत हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, मलक सैफ साहब लाहौर के जो सदर हैं पहुँच चुके हैं इस वक्त, हाफज मोहम्मद कुमार साहब भी हैं इस वक्त जो कि लेस्को चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं, उसके बाद यहाँ दिल्ली में सदर साहब हैं, ये साहब का मौजूद हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी सभी साहब भी मौजूद हैं, और ये सब इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ पे, ये मुझे नवाज शरीफ की मिठाई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई है, खुशी से मिठाई को लेके आए हैं, ये देखें जी ये सारे इस वक्त, ये देखें जी प्रिंस भट्ट साहब हैं जी, इनका नाम सलीम है, ये भी बहुत ही दिलना वर्कर है मुस्लिम लीग नून के, बल्कि ये इनको तो मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर कहता हूँ, क्योंकि ये ख्वाजा इमरान नज़ीर के बहुत करीब है, ये हमारी MNA है किरण दास साहबा जो कि कश्मीर से तलाक करती हैं, मेरे साथ मौजूद है जी मलक अहमद खान, मलक हमजा, मलक अहमद खान कादी यार, मलक अहमद हसन किया नहीं, मलक अहमद हसन दोबारा, मलक अहमद खान हसन दोबारा ने, फवाद मेहर साहब ने इतने साडे सोशल मीडिया दे माशाल्लाह यार दोबारा बना दो, माजिद जैदी साहब ने, नहीं नहीं सही जा रही है, अभी आपने मुझे एक बात बताई है मियां कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतलक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे वालिद साहब, मियां शरीफ साहब, मियां शरीफ साहब, हाँ जी मियां शरीफ साहब, बड़ी जगह मैंने सुना उनको कहते हुए कि अल्लाह पाक की खास रहमत मेरे घर पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पैदा हुआ अल्लाह मुझे नवाजता ही गया, अल्लाह ने उसे, अल्लाह ने उसे बादशाह बनाकर पैदा किया है, लोग बनते हैं वो अल्लाह ने उसे बनाकर पैदा किया कि जा तू बादशाह है, इसका मतलब जब से वो पैदा हुए अल्लाह की रहमत तब से लेके लकी, उसके स्कूल फेलों से पूछे, वो स्कूल फेलों से पूछे, अच्छा वो 10-10 लोगों का नाश्ता कर, ये जी मलक अहमद हसन साहब मुझे बता रहे हैं, ये माशाल्लाह इनका बड़ा पुराना तल्लक है मियां नवाज शरीफ साहब से, और ये मेरे लिए पहली दफा मैंने बात सुनी है, और ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मियां नवाज शरीफ वाकई किस्मत का धनी है, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिंदाबाद।